بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة زبرأ حمزة زبرأ حا زبرحة حا زبرحة أ ح ح أح أح دال ذو زبردن دال ذو زبردن أحدن أحدن बेटो इसमें ये चीज़ ख्याल रखें कि दाल के साथ जो अलिफ लिखा हुआ है हिजा करते हुए दाल दो ज़बर अलिफ दन ऐसा नहीं पढ़ना एक बात और ये अलिफ जब हिजा के बाद अहदन फिर भी अलिफ नहीं पढ़ना। अब अगले डब्बे इस डब्बे में दाल के साथ अलिफ मिला के नहीं लिखा हुआ लेकिन अगले डब्बे में देखो दौद के साथ अलिफ मिला के लिखा हुआ है कि उर्दू में इनको कहते हैं शरारती नौ तो अरबी में वो छः हैं उर्दू के अलिबा में नौ हैं अलिफ दाल जाल रा ज़ा वाव इसमें डाल डे और से साला बारी वाली तीन तो इनके लिखने का ये रस्म-उल-ख़त का तरीका है कि ये आगे वाले हरफ के साथ नहीं मिलते लेकिन पीछे वाले हरफ के साथ मिल जाते। ميم زبر ما ميم زبر ما را زبر را را زبر را ما ما ميم باريك है और र र का इन्होंने नीला कलर क्यों नहीं किया दौद का किया है मैं दौद को फस्तानिया में से जब रावन जो उसके नीचे ज़ेर आ जाए तो वो पतला होता है और जब और पेश हो यानी राग कभी मोटी होती है और कभी बड़ी इसलिए उन्होंने कलर नहीं किया मुस्तालिया में से नहीं है बिल्कुल सही मैं रोन दौद के साथ अलिफ पढ़े हमने मैं रोन हाँ ये लफ्ज़ वक़्फ़ करते हुए आए फिर अलिफ पढ़ेंगे और दो ज़बर की जगह एक मैं रोन आगे चलो बच्चों आइन ज़बर عين زبر ع ميم زبر ما ميم زبر ما ع ما ما عما عما لام ذو زبر لن لام ذو زبر لن عملا عملا اب اس لفظ پر وقف کریں گے عملا عملا چل اب یہ جو پہلے تین لفظ تھے بچوں ان تین میں دو زبر کے ساتھ الف آیا अब आ गया आगे वाले जो तीन लफ्ज़ हैं उनमें दो ज़बर तनवीन के साथ या आया ठीक है अब यो या भी नहीं पढ़ेंगे साइलेंट होगी हा पेश हो हा पेश हो दाल दो ज़बर दन दाल दो ज़बर दन हो दन दन हो दन हो दन अब इसी लफ्ज़ पर वक़्फ़ करना हो तो उसी तरह जैसे पीछे पड़े आमला इसमें भी पढ़ेंगे हुदा हुदा इशक अलिफ नहीं लिखा हुआ हुदा हुदा तो पेश तो वाव दो ज़बर वन वाव दो ज़बर वन तू तू वन वन तू वन तू वन अब वक़्फ़ करेंगे तूवा तूवा कौफ पेश तो कौफ पेश तो رادو زبرن رادو زبرن قو قرن 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 اب اس پر وقف کریں قرا 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 اب میم زبر ما میم زبر ما سین زبر سا سین زبر سا ما ما سا سا مساء مساء دال دو زير دين دال دو زير دين مساء دين مساء دين مساء دين مساء دين اب جو دال کی دو زیر جو تین معنی ہے اس میں دو زبر اور دو زیر اور دو پیش ہے بالکل صحیح آپ نے بتایا یہ بالکل ماشاءاللہ صحیح ہے کہ یہ جو اوپر لائنیں تھیں بچوں ان میں زبر زیر پیش تھی یہ والی اب یہ جو نیچے تین لائنیں ہیں اس میں پہلی لائن میں دو زبر ہے दूसरी में दो ज़ेर है और तीसरी में दो पेश यानी तनवीन का सबक है तनवीन
किसको कहते हैं बच्चों? दो ज़ेर दो पेश का नाम है। तनवीन लफ्ज़ का माना क्या है? नून बनाना। नून बनाना। और जिस हरफ पर बनाते हैं मुनव्वन, और जो नून बनती है नून तनवीन। सही है। मसादिन मसादिन। अब इस लफ्ज़ पर हमने वक़्फ़ करना हो तो दाल के नीचे दो ज़ेर है, एक ज़ेर पढ़ेंगे? नहीं, दो ज़बर में एक ज़ेर पढ़ते हैं लेकिन दो ज़ेर में नहीं पढ़ते। ये दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इन दोनों में फ़र्क। दो ज़ेर और दो पेश वक़्फ़ करते हुए नहीं, लेकिन दो ज़बर में वक़्फ़ करते हुए एक ज़बर। ये होगा मसद मसद। से नीचे नफारुन नफारुन। अब वक़्फ़ करें नफार नफार। चलो अच्छे आगे। सा ज़बर सा मीम ज़बर मा मीम ज़बर मा सा सा मा मा सा मा सा मा। नून दो ज़ेर निन नून दो ज़ेर निन समानिन 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 समानिन। सीन ज़बर सा सीन ज़बर सा खो ज़बर खो खो ज़बर खो सा सा खो खो سخو 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 طودو زیر طوین طودو زیر طوین। अब बच्चों ये ज़ेर वाला रूफ़ मुस्ताली आया ना, दो ज़ेर वाला, इसको ख्याल से मोटा करना पड़ता है। तुइन तुइन सखो तुइन सखो तुइन। अब नहीं कर हाँ सखो तुइन सखो तुइन 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 सखो तुइन सखो तुइन। अच्छा बच्चों मोटा करने के लिए होंठ गोल करने की ज़रूरत नहीं। वो पेश वो पेश वो लाम ज़बर ला लाम ज़बर ला वो वो ला ला वो ला वो ला लाम दो ज़ेर लिन लाम दो ज़ेर लिन वो ला लिन वो ला लिन वो ला लिन वो ला लिन। आगे बच्चों फ़ाज़ीर फ़ी फ़ाज़ीर फ़ी हमज़ा ज़बर आ हमज़ा ज़बर अ फी फी अ अ फी अ फी अ ता दो ज़ेर तिन ता दो ज़ेर तिन फी अ तिन फी अ तिन। इसमें बच्चों हमज़ा का रस्मुल ख़त है। ये हमज़ा की मिसाल आपने लिखनी है कि हमज़ा जब दरमियान में आए तो उससे शुरू में पहले या बाद में अगर ज़ेर हो तो वो या का शोशा लिख कर उसके ऊपर, जैसे ये लिखा हुआ है हमज़ा शरारती नौ बताए ना, आगे नहीं जुड़ते। हमज़ा ऐसा लफ्ज़ है जो लिखते हुए ना आगे जुड़ता है ना पीछे जुड़ता है। हमज़ा बाकी अरफ आगे भी जुड़ते हैं पीछे भी। छः अरफ ऐसे हैं जो ना आगे नहीं जुड़ते पीछे। हमज़ा फ़ी आतिन फ़ी आतिन आगे आइन पेश उ आइन पेश उ नून पेश नु नून पेश नु उ नु 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 क़िन क़िन उनु क़िन उनु क़िन। अच्छा आगे बच्चों नफ़ारुन नफ़ारुन स्वामदुन स्वामदुन ग़ज़बुन 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 लाइबुन लाइबुन उज़ुनुन उज़ुनुन कुतुबुन कुतुबुन। अब वक़्फ़ करना कुतुब कुतुब। अल्लाह हाफ़िज़।